तो गाइस देखिए, यहाँ के एक अभी एक स्टूडेंट यहाँ के इसी कैंपस के स्टूडेंट है। चलिए आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, मैं जब वीडियो बना रहा था, ब्लॉग बना रहा था, तो ये मुझसे मुलाकात की। और ये देखिए आपका जी नाम? साहिल अंसारी। साहिल अंसारी क्या करते हैं? मैं भी यूट्यूबर ही हूँ। अच्छा, यूट्यूबर? हाँ, मतलब नया। तब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। अरे वही तो मैंने देख के पहचान लिया, भाई यूट्यूबर ही है, व्लॉगिंग हो रही है। तो जी, आप इसमें पढ़ाई करते हैं? हाँ, एक महीना हो गया एडमिशन करे हुए। कौन सी कोर्स है? डी फार्मा कर रहे हैं। हाँ, कितना लग रहा है इसका? तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का, मतलब एनुअल वाइज है, तो अभी 90,000 दिया, बाकी 45,000 बाद में देना है, पता नहीं कब देना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रेगुलर क्लास करते हैं या फिर ऐसे ही? तो ऑफलाइन ही, अभी ऑफलाइन है। हाँ, अच्छा, तो ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक, सारे लोग से मिस्टेक होता है। तो आपका कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं से पास से, ओखला से ही हूँ। ओखला से? लोकल ही यहीं के? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ज़्यादा बात नहीं करते, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरा भी कर देना। जी बिल्कुल। अपना चैनल का नाम बता दीजिए। इट्स मिस्टर मॉडिफायर। ओके ओके ओके, तो शुक्रिया गाइस, बने रहिए हमारे साथ, बाय। तो गाइस देखिए, अभी ये जो भाई हैं, अभी जो मुझसे मुलाकात किए हैं, तो ये अभी इनके स्कूटी से मैं अभी ये मुझे कैंपस घुमाने की कोशिश करेंगे। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे इतना वीडियो बनाने में कुछ मदद कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे पीछे ये बच्चे इस कैंपस के काफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई हो सकता है सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता होगा, तो यहाँ पर ये प्रयोगा कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर नाटक वाटक बच्चे कर रहे हैं। तो फाइनली एटलीस्ट अब मैं यहाँ स्कूटी से जा रहा हूँ, तो देखते होंगे कैंपस, देखते हैं भाई कहाँ तक घुमाते हैं। और बिल्कुल इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे गाइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक यूट्यूबर है, जैसा कि ये मेरे वीडियो में अपना चैनल का नाम बताया, इट्स अंडर मॉडिफायर इनका चैनल का नाम है। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जी तो आप देखते होंगे, बने रहिए मेरे वीडियो साथ, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। यह है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही फेमस हिंदुस्तान के फार्मेसी कॉलेजों में इनका काफ़ी माना जाना, इसको माना जाता है, काफ़ी फेमस है ये। इधर ये कैंपस के सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, घूम तो नहीं रहे हैं, हमें मुझे लगता है कि ये क्लास है जी। अच्छा, ये MBBS का है? अच्छा अच्छा, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये देखिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है MBBS का, सारे एकदम बढ़िया, जो हमारा वाला फार्मेसी वाला है ना, ये यूनानी बिल्डिंग है, आप देखते होंगे इस बिल्डिंग को, ठीक है। और ये पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, ये सामने जो अभी बिल्डिंग जो दिख रही है, रेड बिल्डिंग। यहाँ पे वैसे सारे रेडी बिल्डिंग है, ये यही एक मुझे वाइट बिल्डिंग इस कैंपस के अंदर अभी मुझे नज़र आए। ये सामने गेट है कैंपस का, एटलीस्ट फाइनली मुझे लगता है कि भाई के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे मैं हम लोग पहुँचने वाले हैं, यही है? अच्छा अच्छा, शुक्रिया। तो ये कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा, घटिया वाला डिपार्टमेंट हमारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दिखाते रहा, ये तो मेन बिल्डिंग है, मेन ऑफिस। अच्छा, तो आप देखते होंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये जैसा हमारे भाई बता रहे हैं कि ये जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है, यही है बिल्डिंग? यही है। अच्छा अच्छा, सारा ऑफिस इसमें है, डीन जो भी है? हाँ। अच्छा, चलिए भाई शुक्रिया। देखिए यही है, यहाँ पे जामिया हमदर्द लिखा हुआ है। ये भाई कह रहा है कि जामिया हमदर्द यही है पूरे यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग, काफ़ी खूबसूरत है। जैसा देखते होंगे सामने से जो भी कुछ दिखाई देता होगा, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था, जैसा मैं सोच रहा था कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ऐसा ही होगा, लेकिन जैसा उम्मीद क्यों। अच्छा, मुझे यूनिवर्सिटी में जितना भी सबसे बेकार बिल्डिंग है हमारी है, कंपेयर कर लेना यही बिल्डिंग। नहीं, बिल्डिंग तो अच्छा, अभी आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, बस जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट तो। कब से स्टार्ट किया?
जी कर रहे ब्लॉक कर रहे क्या? तो दोस्तों देखिए ये अभी हम लोग आ गए हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी, ये जामे अहमदास ऊपर ये बिल्डिंग है उस पर लिखा हुआ है स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी भाई मुझे लेके जा रहा है, गाइडलाइन कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ मिल गया। जब सफ़र में कोई साथ हो तो जी बिल्कुल। देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं, भाई आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, वैसे भी जो भी गाइड ओके। काफ़ी खूबसूरत ये कैंपस है जी बिल्कुल। देखिए भाई कहाँ लेके जा रहा है, चलिए चलते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंडरग्राउंड जा रहे हैं, बेसमेंट आ गया ऑफिस बच्चों का। अच्छा तो ये जैसा कि भाई के अकॉर्डिंग ये जो बैग में जो भी ऑफिस दिख रहा है तो ये फॉरेन स्टूडेंट बच्चों के लिए है। और यहाँ पे देख रहे हैं बीच में काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट भी लगाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। देखिए दिल खुश हो गया। चलिए तो कहाँ चलना है अब, कहाँ चलना है? जैसा कि जो डिपार्टमेंट अभी दिखा रहे थे इस डिपार्टमेंट से अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ये किसी और डिपार्टमेंट पे ये मेरा भाई ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये सामने जो है देखते होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट से अब हम लोग बाहर आ गए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं। एटलीस्ट देखिए ये हमारे दोस्त ये भाई साहब के ये सारे फ्रेंड्स हैं। देखिए अब हम लोग आ गए इस डिपार्टमेंट में, अभी इसके अंदर चलेंगे, अभी आप लोग को दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स से अभी मुलाकात हो रही है। देखिए ये हमारे ये भाई साहब के सारे ये दोस्त दोस्त हैं। तो आपका नाम? अभिषेक। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। अच्छा पढ़ाई करते हैं, कौन से कोर्स करते हैं भाई? पढ़ाई स्टूडेंट है। अच्छा वैसे तो यहाँ पे सारे लोग स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई अभी यूट्यूबर कहलाऊँगा, कोई बात नहीं। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ से? डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब आप ही? हाँ, सब आपके क्लासमेट हैं और ये हमारे सर हैं। अच्छा अच्छा आपके सर हैं, तो सर तो ज़्यादा बता सकते हैं यहाँ के बारे में। सर आप बताइए यहाँ की मतलब क्या जानना चाहते हैं? हारमोनी इस कैंपस के काफ़ी जो भी है, मतलब बच्चे कैसे हैं, किस तरह के यहाँ पे माहौल है, किस तरह के मतलब कोई फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं तो मतलब उनको उनके साथ कैसे क्या मतलब किया जाता है? देखिए यहाँ का कैंपस एक नंबर है, सबसे बढ़िया है, इंडिया का नंबर वन फार्मेसी कॉलेज भी है, ठीक है। और यहाँ सब के लिए इज्जत एक जैसा है, बराबर रेस्पेक्ट जिसे बोला जाता है, या फॉरेनर हो या कोई भी हो, इंडियन हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, ना रैगिंग है, ना और किसी चीज़ का दिक्कत है। और पूछो क्या पूछते हैं बाकी? अब मैं अब क्या पूछना है मुझे, चलिए अब मैं यही चाहूँगा कि आप जितना हो सके मुझे इस कैंपस घुमा सकेंगे तो बेहतर होगा जी। तो क्या आप घुमाने के लिए मेरे साथ चलेंगे? हाँ एकदम चलेंगे। चलिए बिल्कुल। ये रहा फार्मेसी का बिल्डिंग जो है 1981 में बनी है, सबसे पुरानी बिल्डिंग है जामिया हमदर्द की जी। उसके बाद सारे नई बिल्डिंग बने जो शीला दीक्षित ने उद्घाटन करे, बाकी ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा अच्छा, तो ये डिफार्मा डिफार्मा बिल्डिंग है ये? नहीं ये सिर्फ फार्मेसी बिल्डिंग है। अच्छा, मास्टर फार्मेसी? डिप्लोमा बैचलर मतलब वो सारे इसी में होते हैं। अच्छा अच्छा पीएचडी। चलिए तो जैसा कि आप हमारे भाई जैसे बता रहे थे कि ये फार्मेसी बिल्डिंग है, ये हमदर्द कैंपस का बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। और बाकी जो भी यहाँ पे अभी आप लोगों को जो भी दिखा रहे थे बिल्डिंग वल्डिंग, ये सब काफ़ी नए बिल्डिंग यहाँ पे बने हुए हैं। ये हमदर्द का काफ़ी पुराना बिल्डिंग है जैसा ये भाई ने बताया, मुझे इनके बातों से अभी मुझे मालूम चला। तो यहाँ के देख लीजिए, देखिए अब हम लोग जा रहे हैं जैसा कि भाई बता रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वीरेंद्र सहवाग के जो स्टेडियम है ना यहाँ पे हिमसार मतलब बगल में है, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उसके बगल में उनकी खुद की स्टेडियम है। अच्छा। वहाँ पे अभी मैच चल रही दो टीमों में,
तो चलो ग्राउंड में मैच देखते हैं। प्लस में वीआईपी गेस्ट हाउस इधर है जितने मतलब कॉलेज के जो वीआईपी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर जो बड़े पद लेके बैठे हैं वो आगे बैठते हैं, और फार्मेसी का दूसरा जो गेट है आगे से है, और भी कुछ। तो दोस्तों ये हमारे भाई बता रहे हैं कि अभी हम लोग जा रहे हैं वीरेंद्र सहवाग जो इंडियन क्रिकेटर के प्लेयर्स भी रह चुके हैं ऐसे ही, तो वहाँ पे उनके ग्राउंड पे देखने जा रहे हैं। अब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप लोगों को वहाँ के नज़ारा दिखाएंगे, देखते हैं वहाँ पे किन किन दो टीमों के बीच मैच हो रही है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, शुक्रिया। तो दोस्तों अब हम लोग ये क्रिकेट सहवाग ग्राउंड पहुँचने वाले हैं जो हमदर्द यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। तो फाइनली एट लिस्ट हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैच हो रहा है। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।